We are checking the feasible reason of this x square minus 10x plus 16. So what will be the feasible reason? This is greater than equals to 0. तो यहाँ से आएगा x minus 8 greater than equals to 0. So the answer will be minus infinity to 2 union 8 to infinity. From here we will square this, then we will get x square minus 10x plus 16 equals to plus 4 का स्क्वायर विच इज अगेन 16. तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0, x कॉमन x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, सो आंसर विल बी 0, 10. हम लोगों के फिजिबल रीजन में 0, 10 लाई करता है, हेयर 0 विल लाई, हेयर 8 विल लाई. This is actually feasible reason, or what you can say is that domain. इसको domain भी कह सकते हैं आप. तो 0, 10 both lies in the domain, so these two will be the solution. 0, 10. We'll see some question also like greater than. That is x square minus 5x plus 6 का रूट इज ग्रेटर देन x. तो सबसे पहले हम लोग को फिजिबल रीजन चेक करना पड़ेगा. x square minus 5x plus 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हो गया फिजिबल रीजन. यहाँ से आंसर आएगा x minus 2, x minus 3 स्प्लिट किया मैंने, सो आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी टू 3 टू इन्फिनिटी. सो अभी इसको स्क्वायर करेंगे, x square minus 5, इसको अगर स्क्वायर किया हम लोगों ने, x square minus 5x plus 6 इज ग्रेटर देन x square. अभी से यहाँ से x square कट जाएगा, 5x उधर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x less than 6/5 विच इज 1.2. x less than 6/5 which is 1.2, सो आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 1.2. दिस विल बी द आंसर. अगर मैं इस चीज़ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँ, अगर ऐसे लिखूँ √x square minus 5x plus 6 less than x, तब क्या होगा, सेम चीज़ करेंगे, डोमेन तो यही आएगा, डोमेन इज नॉट गोइंग टू चेंज, डोमेन तो सेम रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 3 टू इन्फिनिटी. अभी स्क्वायर करेंगे, x square minus 5x plus 6 less than x square. x square goes, यहाँ से आंसर आ जाएगा x is greater than 6/5. सो आंसर विल बी, दिस इज नथिंग बट 1.2, सो x is greater than 1.2 से बड़ा, तो 1.2 to 2 and 3 to infinity. अगर मान लीजिए यहां पर आंसर में मेरा नेगेटिव आ जाता, आंसर में आ जाता -5 इसमें, तो क्या ट्रू होता, -5 is greater than square root of anything which is true? नो, इट्स नॉट ट्रू. तो यहाँ पर स्क्वायर करने की वजह से कुछ एरर आ सकते हैं, तो आपको वो जहन में रखना होगा, जो एरर आ रहा है वो देख लेना होगा आंसर के लास्ट में. यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद आपको यहाँ से पता लगा लेना है
द आंसर दैट विल कम विल बी ग्रेटर देन जीरो. क्यों क्यों ग्रेटर देन जीरो होगा? इसलिए ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि रूट ऑफ एनी थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और x जो है इस रूट से बड़ा है. ये जो है जीरो से इंफिनिटी तक है, तो x भी जीरो से इंफिनिटी तक होगा. देख लीजिए आंसर आ रहा है 3 to infinity 1.22. सो दीज आर द टू क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोग इसका डोमेन चेक करेंगे. देन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. हियर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. एंड फॉर दिस 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. हियर एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 2. तो यहाँ से डोमेन क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 1 टू इन्फिनिटी. हेयर एक्स लेस देन इक्वल टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2. तो आंसर डोमेन का हो जाएगा 1 to 2, बोथ इंक्लूडेड. अब कैसे सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को? तो एक रूट को लेफ्ट साइड राइट साइड में लेते जाएंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे. तो पहले सबसे पहले एक रूट को मैं उधर लेके जा रहा हूँ. तो ऐसे लिखा है 1/2 - x. स्क्वायर कीजिए एक्स माइनस वन 1 + 2 - x प्लस माइनस 2 times 2 - x. अभी x ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा. माइनस वन 3, ये 3 इधर आएगा माइनस 3 होगा. माइनस वन के साथ मिलेगा तो माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2 - x. अगर इसको हम लोग डिवाइड करते माइनस 2 से तो ये हो जाएगा 2 - x रूट ऑफ 2 - x. फिर स्क्वायर करेंगे. अब सिंगल रूट में बदल गया, फिर स्क्वायर करेंगे एक मरतबा. 4 + x² - 4x इक्वल्स टू 2 - x. इसको सॉल्व करेंगे यहां पर x² - 3x + 2 = 0. Then x - 2, x - 1 = 0. So from here 2, 1 is the answer. लेकिन 2, 1 डोमेन में होगा. Let's see. Yes, 2, 1 जो है डोमेन में है. So 2, 1 is the answer. So this was square root function, modulus function. We'll see logarithmic and exponential function in the next lecture. If you find this lecture useful, beneficial, then please like, subscribe and share it among your friends.